हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेआर एंड पेंटिंग क्लासेस। मैं प्रियंका लाइव आ चुकी हूँ। वेट अ सेकंड। ओके, हेलो, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम अलका जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम किमी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम टू एसकेआर एंड पेंटिंग क्लासेस। आप सभी का एसकेआर एंड पेंटिंग क्लासेस में स्वागत है और आप सभी को आज रामनवमी है, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए मुझे, एंड आप लोग मेरा बैक कैमरा है ना, तो जो भी कमेंट है मेरे पास थोड़ा सा लेट आएंगे, पर मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ। वेलकम कृष्णा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज आप क्या कीजिए ना, इस वीडियोस को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जो और भी ज्यादा लोग हम लोग हमसे जुड़ सके। और प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो क्लियर आ रहा है। वेलकम अरुणा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम अनमोल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो नूर जी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, मैं बहुत दिनों बाद आज लाइव आई हूँ, थोड़ा सा बिजी थी, पर अब मैं कंटिन्यू आपके साथ लाइव रहूंगी। और मैंने देखा आप लोग कंपटीशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पेंटिंग शेयर कर रहे हैं ना बहुत ही सुंदर है, तो वो भी मैंने देखी, बहुत अच्छी है। और आप में से जिन्होंने अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और अभी तक नहीं किया है ना, वो प्लीज जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। ओके, तो 20 अप्रैल से पहले आपको अपना जो पार्ट मतलब पेंटिंग का, जो पेंटिंग क्राफ्ट या कुछ भी आपको बनाना है ना, वो आपको पार्टिसिपेट करना है ना, तो आप बिफोर 20 अप्रैल प्लीज अपना पेंटिंग आपका उसमें सबमिट कर दीजिए। एसकेआर पॉइंट करके पेज है, उस पर सबमिट कर दीजिए। अच्छी हूं मैं, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। वेलकम निर्मला जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम जिग्ना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को बस एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी, कंपटीशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल से पहले आप लोगों को अपना पेंटिंग क्राफ्ट जो भी आपको सबमिट करना है ना, वो सबमिट कर दीजिए बिफोर 20 अप्रैल। ओके, क्योंकि 20 अप्रैल ही लास्ट डेट है, और जो विनर का अनाउंसमेंट होगा वो होगा 26 अप्रैल, एंड उसके थ्री विनर्स होंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, एंड हमारा प्राइज भी काफी बड़ा है। ओके, तो जो भी देखिए, पेंटिंग कॉम्पिटिशन का जो लिंक है ना, वो भी साथ में आ रहा है, जिसमें आपको फुल वीडियो की डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप उस पर भी क्लिक करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, वेलकम कल्पना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोग पूरी उसकी ले सकते हैं। मेरी तरफ से एक बार आप सभी को फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आई हूँ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। आज मैं आप लोग को ये जो कोलंस होते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं, ये बताऊंगी कि ये हम लोग घर पर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पोलन, समटाइम्स पोलन हम लोग को मार्केट में नहीं मिलते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप अपने घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, तो इसको मैं घर पर बनाना बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जो आज की हमारा क्लास है ना, वो मेरा फ्लावर से रिलेटेड ही है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए अपने जो आप काफी मेरे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि फ्लावर क्लास कब स्टार्ट होगा ना, तो वो लेकर आई हूँ, ठीक है। आज मेरे फ्लावर क्लास का लॉन्चिंग है, तो इसलिए मैं फ्लावर से रिलेटेड ही आपको आज बताऊंगी कि ये पोलन्स हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हेलो इतर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पोलन्स है ना, ये लोग ये बहुत ही इजी हम अपने घर पर बना सकते हैं।
क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, पोलन्स हमें मार्केट में नहीं मिलते हैं इसलिए। ओके, तो पोलन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग की क्या क्लास है। हेलो सोनिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो स्टार्ट करें, तो आपको सबसे पहले मैं आज अपने जो क्लास लेकर आई हूँ ना वो बताती हूँ कि हम लोगों की एक न्यू क्लास आ रही है जिसमें मैं आपको 6 टाइप के स्टॉकिंग के फ्लावर बताऊंगी। एक्चुअली उस क्लास में क्या है ना, मैंने सारे टाइप के फ्लावर्स को उसमें आपको समझाया है। आपको बहुत, अगर आप वो क्लास ज्वाइन करते हैं ना तो आप किसी भी तरह से स्टॉकिंग के फ्लावर बना सकते हैं, आपको कहीं कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने सारी टेक्निक्स स्टॉकिंग फ्लावर की ऑलरेडी समझाई हुई है ना, तो आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है, सिर्फ क्लास ज्वाइन करनी है, नव स्टॉकिंग की किसी भी तरह के फ्लावर को बना सकते हैं। मैंने क्योंकि एक साथ तो सारी चीजें नहीं ला सकते ना, तो इसलिए मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकती थी मैंने उस क्लास में कवर किया हुआ है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी तरह की चीजें उसमें कवर की हुई है, तो इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी उस क्लास में, क्योंकि सारी तरह की टेक्निक्स, सारा मटेरियल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हेलो श्रेया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा 6 क्लास का कॉम्बो है। तो हमारी फर्स्ट जो क्लास है वो है इस तरह से, ये हैंगिंग, ठीक है, जिसमें ये आपका हैंगिंग रहेगा स्टॉकिंग का। देखिए इस तरह से ये वॉल हैंगिंग है, मैं इस तरह से दूर करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, इसमें हैंगिंग है, इसमें 2 टाइप के फ्लावर हैं, पर ये जितने भी फ्लावर्स मैंने किया ना आपको सर्कल में दिख रहा होगा, पर सारे डिफरेंट तरीके से मैंने बताए हैं, क्योंकि आपको सारी डिफरेंट सारी टेक्निक्स आनी चाहिए ऑलरेडी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये देखिए इसमें बर्ड्स, फ्लावर, लीफ, ये इस तरह से ये जो होता है ना स्प्रिंग्स जैसा, वो पूरा ऑलमोस्ट मैंने कवर किया हुआ है। ये फर्स्ट है हमारा। सेकेंड फ्लावर है हमारा ये सनफ्लावर, ये सेकेंड हमारा सनफ्लावर है। ओके, ये सेकेंड इस टाइप में मैंने, ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर के बर्ड्स, लीव्स, पूरा ये 2 टाइप, ये सेकेंड क्लास है हमारी, मतलब फुल कॉम्बो है। एक क्लास में हमारे 6 टाइप के फ्लावर कवर किए हैं। ये हो गया, इस टाइप में आप इसे किसी भी, ये मैंने बैम्बू का लिया हुआ है, अमेजोन से लिया था, इस तरह से बड़ा सा ये पॉट जैसा होता ना, तो आप इसको इस तरह से कॉर्नर में लगाकर रख सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा साइड में दिखाती हूँ आपको, इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगा ये, आप अपने सोफे की साइड में या लिविंग रूम में साइड में कॉर्नर में इस तरह से ये बैम्बू का ये लेकर इसको रख सकते हैं। थर्ड हमारा है ये रोजेस वाला, इस तरह से ये रोजेस का है, ठीक है, ये रोजेस का है, ये देखिए जिसमें ये लीफ, रोज फ्लावर, बर्ड्स, इस तरह से सारी चीजें इसमें कवर है। ये थर्ड क्लास है, ठीक है, ये तीसरे टाइप का कॉम्बो है। जी हाँ, वॉशेबल होता है, स्टॉकिंग्स वॉशेबल होता है बिकॉज ये फैब्रिक होता है ना, पर हाँ जब आप वॉश करेंगे उसके बाद आपको इस पर ग्रीन टेप को फिर से रैप करना पड़ेगा, बिकॉज वो ग्रीन टेप निकल जाता है ना समटाइम, या फिर आपको वॉश भी करना है ना तो आप क्या करना है, इसके इस सिर्फ इतने पार्ट को ही वॉश करना है। ओके, ये जो स्टेम है ना इसको वॉश मत कीजिएगा, आप डस्टिंग भी कर सकते हैं, आप रेगुलर डस्टिंग करेंगे तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मटेरियल्स आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको फुल मटेरियल्स की बहुत इजीली मटेरियल मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है मटेरियल इसका, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ वन है हमारा बोनसाई ट्री, काफी ज्यादा है, रखने को भी प्रॉब्लम हो रहा है,
ठीक है। और जिनको भी सीखना है ना, उसका ये लिंक भी इसी ग्रुप इसी क्लास के साथ में, देखिए आप लाइव के साथ आ रहा है लिंक, आप क्लिक कीजिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप चले जाएंगे। ये है थर्ड बोनसाई ट्री, ये फुल बोनसाई ट्री है। देखिए इसमें आपको स्टेम को कैसे कवर करना है, ये पूरा फ्लावर प्लांट की तरह, ये देखिए है ना, ये पूरा इस तरह से आपको ये पूरे स्टेम, ये ट्री है। तो इस तरह से ये हमारा ट्री है, इसको भी मैं साइड में कर देती। देखिए थर्ड तीन हो गए हमारे, सॉरी ये फोर्थ वन था, फर्स्ट वॉल हैंगिंग, सेकंड सनफ्लावर, रोज, बोनसाई। नेक्स्ट है हमारा टेबल लैंप, नेक्स्ट ये हमारा टेबल लैंप है। ये इस तरह से ये टू इन वन है, इसको आप ऐसा डेकोरेटिव पीस भी यूज कर सकते हैं एंड लैंप की तरह भी। ये देखिए इस तरह से आप इसे कॉर्नर में रख के एज अ डेकोरेटिव पीस एंड ये लैंप, इसको एज अ लैंप भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू रिग्ना जी। वीडियोस आपको मिलेंगे सारे, क्योंकि ये पूरा हमारे पास ये रिकॉर्डेड क्लासेस है नूर जी। आप इसके साथ ही आपको एक लिंक आ रहा होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक कीजिए, हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएंगे, जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है पूरी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ये है सिक्स का ये पैक है, ठीक है। तो इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड अब मेरे पास है वो बहुत हैवी है, तो मैं क्या करूं, मैं करती हूँ कि आपको, क्योंकि ट्राई करती हूँ उठा पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज वो काफी बड़ा पीस है। हाँ, तो उस पीस को क्या करती हूँ, मैं चेयर पे रखकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लोटस प्लांट है, ये देखिए, ये भी स्टॉकिंग का ही है एंड ये पूरा प्रॉपर, देखिए गिरने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम फिक्स है। ये हमारा सिक्स है जिंगल जी, आपको लिंक इसके साथ ही मिलेगा, ओके। एंड आपको व्हाट्सएप नंबर भी जो है इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें पूरा, ये लोटस की लीफ है, लोटस प्लांट है, बड्स हैं, इस तरह से ये पूरा सेट है। ये आप किसी भी साइड में कॉर्नर में रखेंगे ना लिविंग रूम में, तो आपका फुल कॉर्नर सिर्फ एक फ्लावर से ही हो जाएगा कवर, ओके। मैं इसे हटा देती हूं, काफी हैवी था वो, काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही है, पानी पी लेती हूं। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप मैसेज करते जाइए। और आपको जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना जितना जी, इसके साथ ही देखिए लिंक आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। और आप उस पर, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे तरह के फ्लावर्स दिखा दिए हैं, वॉल हैंगिंग, बोनसाई, सनफ्लावर, टेबल लैम्प एंड लोटस। तो सिक्स टाइप के ये हमारे हैं इस क्लास में, सिक्स पीसेस का कॉम्बो है। पर अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको स्टॉकिंग की जितनी भी टेक्निक्स होती है ना, सब कुछ कवर है। आपको और कुछ भी करने अलग से मतलब सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ, सारी मैंने पेटल्स को, सारी लीफ को, बड्स को, ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही क्लास में कवर किया हुआ है। पर बहुत सारे तो नहीं बना सकते ना, तो कुछ ही बंच बनाना है, इसलिए मैंने आपको सिक्स पीसेस का कॉम्बो लेकर आई हूँ। कोई भी क्वेरीज है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9891338338, ओके। इसकी फीस है नूर जी 1000, इसकी फीस 1000 है, ओके। तो आप वो ज्वाइन कीजिएगा, आपको फुल डिटेल व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आफ्टर ज्वाइनिंग मैं आपको मटेरियल बता दूंगी कि क्या क्या मटेरियल लगेगा, और इजीली मिल जाता है मटेरियल, आपको लोकल शॉप से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो इजीली मिल जाएगा, मटेरियल तो इजीली मिल जाता है स्टॉकिंग का, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं ना,
आज हम कोलंस बनाने वाले हैं। देखिए ये फ्लावर बनाए ना, तो इसमें मैंने लोटस में घर के बनाए हुए कोलंस हैं, कुछ बाहर से भी कोलंस लिए हैं ना। तो अगर आपको कोलंस नहीं मिलते हैं तो आप घर पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कोलंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, टेबल छोटी हो जाती है सामान रखने के लिए, इस तरह से थ्रेड लेना है, पतला वाला थ्रेड है ये, इस तरह से आप कोई भी थ्रेड ले लीजिए। अच्छा, अगर आप लोग को अच्छा लगा है ना ये क्लास का, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। ब्लू वाले थंब को एक बार क्लिक कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको हमें क्या करना है, थ्रेड को कट करना है। थैंक यू एवरीवन। इसको इस तरह से थ्रेड को आपको 2 या 3 पार्ट में अपने लेंथ के हिसाब से, मैंने ये 1 मीटर थ्रेड को क्या कट कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ये जो पतला कॉटन थ्रेड होता है ना, मैंने ये पतला कॉटन थ्रेड लिया है, इस पतले कॉटन थ्रेड को आपको क्या करना है, कट कर लेना है, ठीक है। 1 मीटर, 1/2 मीटर, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मैं ये साइड में रख लेती हूँ, एक मिनट, मेरा ये लाइव वाला। हाँ, इस तरह से इसको साइड में रख लेना है, ये फेविकॉल लिया। थैंक यू मैम। बस इस तरह से इसको फेविकॉल डालना है आपको, थोड़ा सा फेविकॉल, 1 स्पून फेविकॉल लिया, थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा ही पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, बस आपको अच्छे से मिक्स करना है इसको। वेलकम वंदना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या पूछ रही हैं अविश्वेश्वर जी, इतने बड़े फ्लावर्स के लिए स्टैम्पिंग्स और स्टॉकिंग्स, एक्चुअली मिल जाता है सारा, मैंने देखिए बनाया ना सारा, वही सामान है, उसी से बनाना है, कुछ अलग मटेरियल नहीं लेना है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना स्टॉकिंग की, कि आपको जो अच्छा लग रहा है ना, अब वो बना लीजिए, बाद में बना लीजिए, ये नहीं है कि आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। आपको जितने फ्लावर्स बनाने हैं आप सिर्फ उतना ही मटेरियल लीजिए। तो इस तरह से आपको फेविकॉल एंड वाटर को देखिए इस तरह से मिक्स करना है, फिर इस पर ये जो थ्रेड है ना, इस थ्रेड को मैंने डाला, इस थ्रेड को डालना है अच्छे से, हमें डिप करना है थ्रेड को। ठीक है, थ्रेड को ये डिप किया। हेलो अनिधि, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से इसको, आप सब भी को आज रामनवमी भी है तो नवरात्रि का व्रत भी होगा कई लोगों का, आई थिंक आप लोग ने व्रत तो अपना ओपन कर लिया होगा। ये इस तरह से क्या करना है, हमें थ्रेड को जो एक्सेस है ना हमारा एक्स्ट्रा वाला, उसको निकाल देना है। अब इसको, ये थ्रेड है, इसको आपको किसी भी पॉलिथिन में या किसी में भी इस तरह से हैंग करके ड्राई होने देना है 30 मिनट्स के लिए, ओके। तो इस तरह से आपने थ्रेड को फेविकॉल एंड वाटर के मिक्स में अच्छे से, वाटर में अच्छे से मिक्स करके डिप करना है, अच्छे से इस पे फेविकॉल लग जाए, और इसको साइड में रख देना है 30 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए। वीडियो स्टक, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए क्या वीडियो स्टक हो रहा है क्या। वेलकम मंदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से इसको ड्राई होने देना है, साइड में रख दीजिए तो ये ड्राई हो जाएगा। वीडियो कंटिन्यू चल रहा, ओके, थैंक यू प्राची जी। आई थिंक सम थोड़ी देर के लिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया होगा, या आपके नेटवर्क में भी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये आप जब थ्रेड को है ना ड्राई होने देंगे, तो ड्राई होने के बाद थ्रेड थोड़ा सा इस तरह से टाइट हो जाएगा, है ना। ये देखिए इस तरह से कोलंस कैसे ही होता है ना वायर जैसा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब इसको
इस तरह से फोल्ड करना है इसको, इस तरह से हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे कट करना है, इस तरह से आपको इसको क्या करना है, कट करना है। पोलन्स में दो तरह से बताऊंगी, एक्चुअली पोलन्स टू टाइप्स के होते हैं ना, कुछ पोलन्स छोटे से आते हैं एंड कुछ पोलन्स बड़े आते हैं। देखिए इस पोलन्स में भी ये प्लेन है एंड इस पर देखिए इस तरह से डॉटेड डॉटेड है, कुछ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर है ना इस तरह से, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैम बस 2 मिनट रुकिए, मैं इसे कंप्लीट करके एक बार फिर से दिखाऊंगी, है ना, आप कंटिन्यू रहिए क्लास में, मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी मैं दिखाऊंगी, अब बस वेट कीजिए, अभी ये कंप्लीट कर लेना, बारी बारी से करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ड्राई होने में भी टाइम लगता है ना इसलिए। तो थ्रेड हमने लिया था ना, उस थ्रेड को मैंने साइड में रखा, ये पहले से मैंने कर रखा था इसलिए वो ड्राई हो गया है, तो इस तरह से क्या किया इसको कट कर लिया पीसेस में, है ना। अब ये हमारा ये पहले थ्रेड गिर गया, हाँ कोई बात नहीं, ये हमारा वो फेविकॉल एंड वाटर वाला ही मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में हमें क्या करना है, कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है। उस मिक्सचर में हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जब तक वो थिक करके इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए अच्छे से स्मूथ मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए, थैंक यू। आप बस साथ में रहिए, मैं अभी आपको बाद में फिर से फ्रो करूंगी फ्लावर, और जिनको भी ज्वाइन करना है फीस ओनली 1000 है, लिंक किसी वीडियो के साथ में आ रहा है, आप क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छे से और कंपटीशन के लिए भी आप लोग अपना जल्दी जल्दी सबमिट कर सकते हैं बिकॉज 20 अप्रैल लास्ट डेट है, तो डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं ये प्लेट ले लेती हूँ, हेलो चित्रा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फेविकॉल एंड पानी को, फेविकॉल पानी मींस रेशियो, मैं आपको क्या बताऊं, आपको जैसे 1 स्पून फेविकॉल लेना है तो 1/2 स्पून वाटर लेना है, ओके। इस तरह से आप कुछ भी क्या बोलना चाहिए, बॉक्स रख सकते हैं, बाउल रख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये इस तरह से थ्रेड लिया, थ्रेड को उस मिक्स में डालना है, ठीक है, उसमें मिक्स में सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को डिप करना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को, पूरे थ्रेड को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को हमें डिप करना है इस तरह से, और एक्स्ट्रा जो हमारा है वो निकल जाएगा। देखिए पोलन्स का इस टाइप से रहता है ना ये, तो इस तरह से हमें डिप करना है और इसे साइड में रख देना है, ठीक है, साइड में रख देना है ड्राई होने के लिए इस तरह से। जब एक बार आप करेंगे ना डिप, फिर डिप करने के बाद अगर आपको लगता है थोड़ा थिन लेयर है या आपको और मोटा पोलन्स चाहिए, ड्राई होने के बाद दोबारा उसी मिक्सचर में मिक्स कीजिए एंड फिर से साइड में ड्राई होने के लिए रख दीजिए। ये मेरे पास 4 इंचेस का है, ओके, 3 इंच 4 इंच, क्योंकि हम क्या करते हैं पोलन्स को बनाने के बाद इस तरह से हाफ फोल्ड करते हैं, है ना, आप क्योंकि कट करके बांधने में पोलन्स प्रॉब्लम होती है, इस तरह से थ्रेड को हम लोग मोस्टली इस तरह से हाफ मतलब कट करके ही पोलन्स यूज करते हैं। फिर से इसको इस तरह से डिप करना है और इसको साइड में जो एक्स्ट्रा है ना हमारा वो निकल जाने देते हैं। मुझे एक्चुअली वो जो क्या बोला किसी बॉटल वगैरह में रखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये इस तरह से साइड में रखते जाना है, तो ये कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, इस
तरह से इसको साइड में मैंने ये किया, दूर दूर रखना है क्योंकि फेविकॉल है ना तो वो स्टिक हो जाएगा आपस में, तो थोड़ा सा दूर दूर रखिएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसको हमें डिप करते जाना है, स्पून की हेल्प से थोड़ा सा इसको डिप करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको इसी बाउल में ही निकाल देते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हमारा मार्केट में भी जो पोलस मिलते हैं ना वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा मैम, बिकॉज यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। हाँ बिकॉज वीडियो क्लीन है। ओके थैंक यू, थैंक यू अनुजी। आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। इस तरह से इसको ये हमारा, तो इस तरह से आपको जितने भी थ्रेड कट किए ना वो ऐसे साइड में रखते जाना है। ठीक है, टाइम नहीं लगता है इसको ड्राई होने में, विद इन 20 to 30 मिनट से अच्छे से ड्राई हो जाता है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है कि 2 घंटे 3 घंटे आपको लगेंगे इसको ड्राई होने में। आप फ्लावर बना रहे हैं, पोलन्स खत्म हो गए, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बनाइए। दूर दूर आपस में स्टिक नहीं होने देना है वो, क्योंकि चिपक जाता है। आपने देखा होगा मार्केट से भी पोलन आते हैं ना तो वो इस तरह से स्टिक होते हैं पूरे। थ्रेड की जगह हम लोग जो पतला वाला वायर आता है ना जो ज्वेलरी के लिए यूज कर सकते हैं वो भी ले सकते हैं, पर सबसे ज्यादा सस्ता तो थ्रेड ही होगा ना। थ्रेड से सस्ता क्या होगा बताइए आप। आप अगर वो वायर लेंगे फिर वायर पे बनाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, फिर पोलन्स इतने महंगे पड़ेंगे तो बाकी फ्लावर्स कितने महंगे होंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसको डिप करना है, एक्सेस को हमें निकाल देना है। ये मैंने सारे थ्रेड को रख दिया, अब इस थ्रेड को क्या करूंगे साइड में ड्राई होने के लिए रख देंगे। ठीक है, और उससे पहले मैंने कुछ बनाए हुए हैं, ये देखिए पास पास आ गया, वो स्टिकी हो गया, फिर इसको निकालने में पुराने उसका कॉर्नफ्लोर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके पोलन्स होते हैं ना, फिर हम इस तरह से इन्हें फ्लावर्स में क्या करते हैं बांधते हैं इस तरह से फ्लावर में। तो अभी इस पे कलर भी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो ये हमारे टेक्सचर वाले है ना उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये रवा है, सूजी बोलते हैं ना वो लिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, राइस फ्लोर होता है ना तो थोड़ा सा उसको, जो राइस होता है ना उसको थोड़ा दरदरा पीस लीजिए, अगर वरना सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लीजिए एंड यूज कीजिए। प्रेमलता जी वेल, आज पोलन्स बता रही हूं मैं कि पोलन्स को कैसे बनाते हैं घर पर ही, और आप बने रहिए। आज हमारी क्लास स्टॉकिंग की क्लास लॉन्च हुई है तो स्टॉकिंग के लिए ही मैंने घर पर सोचा कि घर पर ही पोलन्स बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ड्राई हो गया था ना हमारा पोलन्स, तो उसी पोलन्स को दोबारा इसी जो हमारा मिक्स था ना फेविकॉल कॉर्नफ्लोर वाला उस पर लेना है एंड ये सूजी वाला इस पर हमें इसको इस तरह से डिप कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसको इस पर ही डिप कर देना है, ये इसको इस तरह से अच्छे से डिप कर देना है पूरा अच्छे से। ठीक है, बेबी ब्रिक फ्लावर, ऑलमोस्ट मैंने सारे फ्लावर्स पे कवर किए हुए हैं, देखिए इस तरह से इस पे, तो ये टेक्सचर आ जाएगा, ये आया। तो इस पे इस तरह से जो हमारे पोलन्स रहते हैं ना येलो वाला मैंने आपको दिखाया था, इसको भी मैं साइड में ये ड्राई होने के लिए रख दूंगी, अच्छे से हमें ड्राई करना है। ठीक है,
आपको थोड़ा मोटा टेक्सचर देना है तो थोड़ा सा और मोटा वाला जो राइस है उसको थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लीजिए, थोड़ा दरदरा सा, एंड उसको यूज कीजिए फिर। तो इस मिक्सचर में मैं एक तरह से, ये मिक्सचर जल्दी ड्राई हो जाता है, अभी तो गर्मियां है, फैन चल रहा है तो और भी जल्दी ड्राई हो रहा है। ये इस तरह से ये ड्राई हो गया, मैं इस तरह से इस पर, ठीक है, इसको फिर इसको साइड में रख देंगे ड्राई होने के लिए, ठीक है। तो इसको साइड में रख दिया, बताइए, बिल्कुल रिपीट करूंगी, डोंट वरी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि पोलन्स को अभी इसको कलर भी करेंगे ना, तो अभी जब तक ये ड्राई हो रहा है ना, मैं एक बार फिर से आपको फ्लावर्स के बारे में बता देती हूँ। ये थोड़ा सा स्टिक हो गया है, तो दूर दूर रखेंगे इनको, ये दूर दूर रखा। आज हमारे स्टॉकिंग फ्लावर का ही न्यू लॉन्चिंग है, इसमें 6 टाइप के फ्लावर हैं, पूरा कॉम्बो है 6 फ्लावर के, फ्लावर का है, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्लावर जरूर 6 टाइप के हैं, पर ऑलमोस्ट सारे तरह के जितने भी आप स्टॉकिंग से फ्लावर बना सकते हैं, सब पूरी टेक्निक्स हैं इसमें, तो आपको अब कहीं अलग से और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ पहले, ठीक है। आज मैं पोलन्स को बता रही थी, इसको साइड में रखकर एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये साइड में रख लिया, अब बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है, तो फर्स्ट क्लास है हमारी वॉल हैंगिंग की, ठीक है, स्टॉकिंग के वॉल हैंगिंग की, उसमें स्टाइप से है, ये वॉल हैंगिंग है हमारा, इसमें लीव्स, ये हमारे फ्लावर्स हैं, या इस तरह से किसी भी पॉट में लगाकर वॉल पर किसी भी जगह पर इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे इस तरह से फ्लावर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लावर है वॉल हैंगिंग का, ठीक है। ये ऑरेंज व्हाइट, ये हैंगिंग में है क्योंकि इसे आपको किसी जगह पर आराम से अच्छे से हैंग कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा सनफ्लावर, सेकेंड है हमारा सनफ्लावर, ठीक है। ये सनफ्लावर है, ये देखिए, ये सनफ्लावर है, फ्लावर, लीफ, बर्ड, सब कुछ पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट फिर भी होता है तो आप मैसेज कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, कभी भी एनी टाइम आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी एक लॉन्ग पॉट में इसको इस तरह से लगाकर आप अपने लिविंग रूम पर साइड में रख सकते हैं, सोफे के बगल में। ओके, तो ये हमारा सेकेंड फ्लावर है। थर्ड हमारा रोजेस हैं, ये रोजेस हैं। हेलो सुनीता जी, वेलकम टू एसकेआरएन पेंटिंग क्लासेस। हेलो प्रीति जी, वेलकम टू एसकेआरएन पेंटिंग क्लासेस। प्रीति जी मेरी नेबर हैं, थैंक यू, थैंक यू भाभी। ये इस तरह से रोज है, तो रोज का तो ऐसा है आप कितना भी बंचेस बना सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने फुल कवर किया हुआ है, लीफ कैसे बनाना है, देखिए लीफ में इस तरह से टेक्सचर भी है। ओके, जो फ्लावर की पेटल्स है ना, तो वो फ्लावर का टेक्सचर, ये फुल, ये लीफ, ठीक है, बट्स हैं दोनों। तो आप कितने भी, आपको मैंने मतलब कवर किया हुआ है कि रोज फ्लावर कैसे बनाते हैं, आप जितने भी आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। एंड इस तरह से आप ऑरेंज, येलो, पिंक, व्हाइट, जो भी पसंद हो, क्योंकि और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करना है, जो भी कलर आपको अच्छे लगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड है, ओके, रोजेस का। मैंने इस पर ये पहले ही बनाया कर रखा हुआ था, येलो एंड ऑरेंज, ओके, इसको भी साइड में कर देते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ये बोनसाई ट्री, ये ट्री है पूरा। थैंक यू प्रेमलता जी, ये हमारा ट्री है बोनसाई ट्री। ये देखिए ये ट्री स्टैम्स में जैसे होता है ना कर्व, ये पूरा यहाँ पर इस तरह से। ओके तो ये ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिलेगा नहीं, आराम से फिक्स किया हुआ है मैंने। तो ये ट्री हो गया। नेक्स्ट हमारा है लैम्प। ओके अभी तक मैंने आपको कितना बताया, 4 वॉल हैंगिंग, सनफ्लावर, रोज, बोनसाई ट्री। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा ये 2-in-1। ओके इसको आप ऐसा डेकोरेटिव पीस भी यूज कर सकते हैं और ये लैम्प की तरह भी, इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है इसको आप साइड में इतने रखकर टेबल लैम्प। ओके तो ये मेरा 5th है एंड लास्ट, फिर मुझे उठना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत हैवी है। थैंक यू, थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू। एंड सबसे नेक्स्ट सो हैवी ये है हमारा लोटस। ओके ये हमारा लोटस है, सब कुछ आपको फुल कॉम्बो एक ही क्लास में मिलेगा, फी है ओनली 1000। आपको जिनको भी ज्वाइन करना है ना, इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर आ रहा है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगी और बहुत ही इजीली मटेरियल मिल जाता है इसका। ओके तो ये हमारा फ्लावर है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे हमारा। ठीक है ये हमारा फ्लावर है। नेक्स्ट है ये हमारा, मैं फुल कॉम्बो आपको एक साथ रखकर दिखाती हूँ। ओके तो आई थिंक उसका लुक और भी अच्छा आएगा। सेकेंड ये रोजेस। ओके ऑलमोस्ट हो गया, मैं सनफ्लावर मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, मिलता है ऑनलाइन भी मिलता है, मैंने काफी ज्यादा मटेरियल ऑनलाइन मंगाया है और बहुत ही इजिली आ जाता है तो आपको मटेरियल का इश्यू नहीं होगा, मटेरियल मिल जाता है। ठीक है तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ये लोटस वाला तो आपका पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, जन्मित को जी मिल जाता है मटेरियल, मटेरियल का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। वेलकम सुमन जी, मैं आपको मिस कर रही थी, आप काफी लाइव में मेरे में नहीं आए हुए हैं, आज अब बहुत दिनों बाद मैंने देखा आपको लाइव। ये हो गया। ओके तो इसको मैं बंद कर देती हूँ साइड में। और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो भी 20 अप्रैल है। ओके जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है 20 अप्रैल है, ओनली 10 डेज का टाइम है। तो इसको ये साइड में रख देते हैं। तो अब क्या करते हैं, फिर से पोलन का स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पोलन है। ठीक है मैंने आपको पोलंस का बताया था, ये देखिए ड्राई भी हो गए, काफी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इस फ्लावर से रिलेटेड ही मैं आज बता रही हूँ कि पोलंस को कैसे होना है। मिस यू टू सुमन जी, वेलकम संध्या जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सुमन जी। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो और अच्छा बनाने का मन करता है ना। ये हमारा ये देखिए ड्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे, मैंने बोला था ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ऊपर से गर्मी भी है, फैन भी चल रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे। और कलरिंग भी इसकी इजी है, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कलरिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ ये देखिए सर ने मैसेज किया ना, ये रामनवमी ऑफर है। ओके तो आप में से जिनको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आज रामनवमी भी है, बहुत अच्छा दिन है।
मैं आपको लिंक दूंगी ना, कोई इशू नहीं है, आपको एक ही वेबसाइट पर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको ये किट बनाकर देने की मुझे नहीं लगता जरूरत, समटाइम्स ये मटेरियल भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर हाँ ट्राई भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये देखिए हमारा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ना कि क्या किया था। थ्रेड लिया मैंने इस तरह से, ये देखिए थ्रेड भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। कोई भी आपको कॉटन थ्रेड लेना है, कॉटन थ्रेड को आपको एक बाउल में वाटर एंड फेविकॉल का मिक्स लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको थ्रेड को उसमें डिप कर देना है, ठीक है। आपको अच्छे से डिप कर साइड में इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। आफ्टर ड्राई आपको क्या करना है, इसके छोटे छोटे 4 to 5 इंच के पीसेस करने हैं, 4 to 5 इंच के पीसेस करने हैं। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में आपको फिर क्या करना है, वाटर फेविकॉल एंड कॉर्नफ्लोर का मिक्स करना है, अच्छे से थिक पेस्ट करना है। देखिए अभी ये किया था ना, ये थिक पेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से थिक पेस्ट लेना है आपको, जो भी आपका ये पोलम्स है ना उसको डिप करना है। डिप करने के बाद वो इस तरह से इसमें चिपक जाता है, ये देखिए इस तरह से इसमें चिपक जाता है ना, ये एक छोटा सा पॉइंट या जो पर्ल होता है ना वैसा हो जाएगा। फिर इसको आप साइड में ड्राई होने के लिए रख दीजिए 15 to 20 मिनट्स, उतने में ही ये ड्राई हो जाएगा। अगर आपको कुछ टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर करने के लिए आपको क्या करना है, सेम आपको सेम मिक्सचर में इसको डिप करना है। आप राइस को थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए, या ये मैंने रवा लिया हुआ है सूजी, उस पर इसको डिप करना है और फिर से इसको साइड में ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पोलंस बना सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर अब हम इस पर करेंगे कलर, ओके। अब इस पर हम कलर करेंगे, मैं इस पर थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। पानी वगैरह सारा साइड में रखना पड़ता है जी, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, पूरा आपको क्लासेस मिलेंगी, फुल रिकॉर्डेड वीडियो है। ये ऑरेंज कलर मैंने लिया है, ठीक है। इस तरह से आपको बस इसको कलर करके साइड में रख देना है एंड पोलंस आपके घर पर ही रेडी हो जाएंगे। सूखने में भी टाइम नहीं लेता है कि आपको बहुत घंटों लगाना पड़ेगा सूखने में, बहुत इजीली सूख भी जाता है। बिल्कुल, मैं वीडियो के लास्ट में एक बार आपको फिर से फ्लावर का सेट दिखा दूंगी। आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है। ये देखिए आपको इस ड्रेसेस को करना है, ठीक है। और ये अब इसे ड्राई होने के लिए रख देना। अब देखिए ये जो हमारा पोलन है, ये जो पोलन्स है ये मैंने मार्केट से लिया हुआ है, ये टेक्सचर एंड ये टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसका भी सेट वैसा ही आएगा, ओके ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको घर पर ही पोलन्स बना लेने हैं। हाँ कलर में भी डिप कर सकते हैं ना, पर कलर में डिप करके कलर क्यों वेस्ट करना, जब आपको सिर्फ एक ड्रॉप से ही काम हो जाएगा तो कलर में डिप करने में तो कितना टाइम लगेगा ना। अगर आप क्या करेंगे ना, एक साथ सोचेंगे कि एक साथ कलर में डिप करेंगे तो भी आपको निकाल कर तो अलग अलग ही रखना पड़ेगा, आप एक साथ रखेंगे तो फिर वो स्टिक हो जाएगा। थैंक यू अनु जी, मैंने ये एक्रिलिक कलर लिया हुआ है, ये एक्रिलिक कलर है जो मोस्टली हम लोग पेंटिंग्स के लिए यूज करते हैं ना, बस वो कलर है। तो पोलंस आप इजिली घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी ना वो पोलंस की ही हुई थी। मैंने ऑनलाइन पोलंस मंगाए एंड वो पोलंस फिर मेरे थोड़ा खत्म हो गए, तो मैंने घर पर ही फिर पोलंस को बनाया।
और एक हाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि देखिए ये जैसे मैंने ये लैंप बनाया तो इस पर मैंने ये जो वायर लगाया ना ये ग्रीन कलर का वायर लगाया है ना, तो मैंने ग्रीन कलर के वायर भी नहीं लिया है, मैंने गोल्डन कलर को ही एक्रिलिक कलर से ग्रीन किया एंड मैंने सारे जो वायर्स है ना उनको कलर करके ही यूज किया है, क्योंकि अगर आप एक साथ बल्क में लेंगे ना दुकान में तो आपको इजीली मिल जाएगा और सस्ता होता है वो। ठीक है, थैंक यू अनुजी, थैंक यू। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे पोलंस घर पर ही बना लेने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं प्लेन वाले को भी कलर कर लेती हूँ, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा रेड कलर, ग्रीन कलर है ये भी एक्रेलिक कलर ही है। और क्लास से रिलेटेड आप लोग के कोई भी डाउट्स है ना पूछते जाइए, बाकी व्हाट्सएप लिंक आ रहा है हमारा साथ में। ये देखिए इस तरह से आपको ग्रीन कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, जिस भी कलर का पोलन बनाना है आप बना सकते हैं, है ना। ये जिस भी कलर का आपको बनाना है, जो भी कलर आपको चाहिए। मैंने ये जो टेबल लैंप है ना इसमें सिल्वर कलर यूज किया है, वो घर पर ही बनाया था। इसको ट्राई करके इस तरह से आपको क्या करना है, पोलंस घर पर ही बनाने हैं, सारे पोलंस को कलर करना है और घर पर ही बनाना है, इजी है। आज फेस्टिवल है तो फेस्टिवल से रिलेटेड मैं एक चीज और लेकर आई हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। रेखा जी मैं पोलंस बना रही थी। अच्छा आप लोग लेडीज हैं, आप लोग में से मुझे बताइए साड़ी पहनने में किसको किसको प्रॉब्लम होता है। नहीं एक्रिलिक कलर का तो कलर नहीं जाता है ना, मैंने अपने बाहर वॉल पे किया हुआ है वो भी नहीं गया। तो आई थिंक किसी के मैसेज तो छूटे नहीं होंगे ना। मैं आज आप लोगों को एक चीज और दिखाऊंगी, वेट कीजिएगा थोड़ा, इसको साइड में रख देते हैं। सारा सामान मुझे नीचे रखना है, ये मैं लेकर आई हूं। फेस्टिवल चल रहा है, ये प्री ड्रेपिंग ड्रेपिंग साड़ी होती है ना रेडी टू वियर, वो है जो आपने देखा होगा मोस्टली साउथ में रहता है। ये देखिए इसके प्लीट्स हैं, कितनी फाइन प्लीट्स हैं, एंड ये पल्लू है इसका। तो इस टाइप में भी हम लोग नेक्स्ट प्लान कर रहे थे, एक्चुअली भी कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं इसका आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, पर हाँ मोस्टली लेडीज को देखिए प्रॉब्लम होता है ना साड़ी पहनने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्री ड्रेपिंग साड़ी का, है ना। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार प्लीज, ये लाइट कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही इजी टू वियर साड़ी होती है ना, रेडी टू वियर वाली, जो आजकल जो साड़ी नहीं पहनते उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से ये पल्ला रहता है इसका, मैंने साउथ में देखा था ना, रेडी टू वियर रहता है, बस आपको जैसे स्कर्ट वगैरह पहनते ना सेम वैसे पहनना होता है। थैंक यू प्रवेश जी, प्रवेश शर्मा। तो ये तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, तो इससे रिलेटेड भी अगर कुछ इंटरेस्ट आए तो प्लीज बताइएगा, तो आगे इस पर भी थोड़ा वर्क करेंगे। इसको मैं साइड में रखती हूँ, ये मेरी साड़ी है खराब हो जाएगी। एंड मैं लास्ट में आपको फिर से एक बार फ्लावर का जो अपना क्लास है वो दिखा देती हूँ, फिर हम लोग
जिनको भी ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप की क्लास कर ले सकते हैं। थैंक यू अनु जी, ये मैंने रेडी टू वियर साड़ी है मेरी, रेडी टू वियर मीन्स आयरन करके इसको रेडी टू वियर बनाया है, स्टिच नहीं किया है, कट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ओके तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं ना तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से सारे फ्लावर्स समझा देती हूँ, सारे दिखा देती हूँ। हमारा ये 6 फ्लावर का कॉम्बो है, ओके 6 फ्लावर का ये हमारा कॉम्बो है। लिंक आपको इसी ग्रुप के साथ में ही आ रहा है, जो आपको मेरी क्लास के साथ देखिए लिंक भी आ रहा है, आप क्लिक कीजिए। ओके तो आपको जो भी क्वेरीज हैं सारी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे, मटेरियल का भी इश्यू नहीं है, इजिली मिल जाता है और ऑनलाइन मिल जाता है। ओके थैंक यू अनु जी, थैंक यू। तो एक बार मैं फिर से आपको सारा क्लास कॉम्बो दिखा देती हूँ। एक टेबल का सामान छोटा हो काफी ज्यादा हो जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। मटेरियल आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद बता दिया जाएगा क्या क्या मटेरियल लगेगा। ये हमारा फर्स्ट है वॉल हैंगिंग, ओके ये हमारी क्लास का फर्स्ट फ्लावर है वॉल हैंगिंग। देखिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सेकंड हमारा इस तरह से सन फ्लावर है, ये देखिए मैंने एक बैम्बू का ये मंगाकर अमेजोन से इसको भी मंगाया था पॉट को, ये मेरा सनफ्लावर है फ्लावर बर्ड स्लीव्स, ओके स्टेम, ये सेकंड फ्लावर है कॉम्बो का। थर्ड है हमारा रोज, रोज ये रोजेस हैं के फुल डिटेल्स में वीडियो है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो है तो प्रॉब्लम भी नहीं है, जब भी आपके मन करे आप तब बना सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है आपका टाइमिंग का। ओके तो ये हमारा रोजेस हैं, फिर ये हमारा है बोनसाई ट्री, ओके ये हमारा बोनसाई ट्री है। थैंक यू अनु जी, ये हमारा फोर्थ वन है। फिफ्थ है हमारा लैम्प, इसमें सारे तरह के फ्लावर मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं सारे फ्लावर फुल कॉम्बो, ये हमारा लैम्प है। इसको शो पीस एज अ टेबल लैम्प आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा लोटस का है, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर इससे पहले अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके हेलो शोभना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू अनु जी। तो आप लोगों की कोई अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, और भी कुछ डिटेल्स जानने हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू, है ना। तो ये 6 का हमारा फुल कॉम्बो है, इसमें लोटस तो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, आप इसे साइड में रख देंगे ना आपका फुल जो कॉर्नर है ना वो कवर हो जाएगा। ये सारे टाइप्स के इसमें ऑलमोस्ट ट्रंक है, और सारे फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से बताया हुआ है, ताकि आपको अगर इनकेस कभी कुछ और भी डिजाइन से अपने बनाना हुआ ना तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इसकी पेटल्स हैं कर्व में है, प्लेन ये भी राउंड में बनाया हुआ है, एंड वॉल हैंगिंग का भी फ्लावर मैंने ये राउंड फ्लावर ही है, पर दोनों डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, दोनों में मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हुई है, सेम टेक्निक से नहीं बनाया है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए। 6 फ्लावर, हाँ दिखाती हूँ 6 फ्लावर भी है, तो वो भी आपको एक बार मैं शो कर देती हूँ। 6 फ्लावर एक्चुअली काफी बड़ा है ना, वो भी मैं आपको एक बार लास्ट में समझा देती हूँ कि उस फ्लावर का। थैंक यू नूर जी,
तो ये हमारा ये 1 2। अब ये वॉल हैंगिंग कैसे आएगा यहाँ पर, रहने दीजिए उसे, मैं साइड में ही रखती हूँ। मैं आपको लास्ट वाला भी दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारा लास्ट है लोटस वाला, लोटस वाला प्लांट। ओके तो आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वो, या कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और स्टॉकिंग का या फ्लावर का तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कलर चूज कर सकते हैं। आपको जो जिस भी कलर का चाहिए ना, आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको अगर ये जैसे मैंने येलो बनाया है, आपको ऑरेंज बना सकते हैं, पिंक बना सकते हैं, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है ना। अपनी क्रिएटिविटी यूज कीजिए एंड अपने फेवरेट कलर का बनाइए। वॉशेबल, हाँ वॉशेबल होते हैं स्टॉकिंग्स, है ना, वॉशेबल। हाँ, पर आपको स्टैम्प को वॉश नहीं करना। अगर आप स्टैम्प वॉश करते हैं ना तो फिर आपको टेप को दोबारा कवर करना होगा, क्योंकि टेप जो होता है वो पेपर एंड थोड़ा पेपर का होता है इसलिए, एंड उसे हम लोग फेविकॉल से ही करते हैं ना। और आपको जिन्हें भी ये क्लास ज्वाइन करनी है ना, वो लिंक भी हमारे इसी ग्रुप के साथ ही आ रहा है। आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 6 क्लासेस का कॉम्बो है, और वो सारी टेक्निक्स हैं इसमें आपके लिए, 1 ईयर के लिए आपके लिए वो एक्सेस रहता है, तो आप कभी भी बना सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप में से किसी और के भी डाउट हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, ओके, तो आप लोग लिंक पर जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।